एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक्सट्रीम पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन होने वाली है। मैंने अपने पेंट्री में कुछ और बॉक्स खरीदी हूँ, कंटेनर मंगाई हूँ और ये यहाँ पे है। और कुछ एक ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर भी की थी कि ये वाला आया था अमेजोन से, बट मैं इसके साथ इसकी अनबॉक्सिंग करूँगी, आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बहुत दिन से आगे ये दोनों कंटेनर रखा हुआ है, बट मुझे टाइम नहीं मिल रहा था एग्ज़ाम कॉलेज ये सब के चक्कर में, तो मैं नहीं कर पा रही थी। मैं सोची मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए फिर आराम से इन सब का ऑर्गेनाइजेशन करूँगी और पेंट्री का मेकओवर करूँगी, तो थोड़ा अच्छे से करूँगी, टाइम लेके करूँगी तो अच्छा होगा। तो इसलिए मैं इतने दिन से वेट कर रही थी। नाउ आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि एग्ज़ाम इज़ डन। नाउ आई एम बैक इन माई किचन। आई हैव टू मेक ओवर एवरीथिंग, लाइक जो भी मुझे छोटे मोटे अपने किचन के मेक ओवर करनी है मैं वो करूँगी। तो शुरुआत करते हैं पेंट्री से पहले। और ये वाला जो बॉक्स है बहुत ही अच्छा है दोनों वाला, और इसमें काफ़ी कॉम्पैक्ट है और स्पेस सेविंग है और काफ़ी अच्छा। आपके पेंट्री अगर छोटा पेंट्री भी है इस टाइप के बॉक्स हो तो मतलब आपके बहुत कम जगह में आराम से सारे सामान आ जाते हैं। और किचन में हमारे इंडियन पेंट्री में इतने सारे सामान होते हैं, मसाले, दाल, चावल, छोले, राजमा, उनके लिए बहुत सारे बॉक्स चाहिए ही होता है। तो उसके लिए तो चलिए मैं आपके साथ एक एक करके दिखाती हूँ कैसे हैं ये बॉक्सेस। तो इस ये वाला जो बॉक्स है ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे, और एयर टाइट है और बहुत ही स्लिम है, बहुत ही छोटा, मतलब एकदम कॉम्पैक्ट है चारों तरफ से। आप इसको ऐसे ओपन करो तो आप देख सकते हो। और ये देखो ये पर ट्रांसपेरेंट है तो बहुत ही अच्छा है, एयर टाइट है, ठीक लगा मुझे ये। और एक दूसरे के ऊपर इस तरह से स्टैक भी कर सकते हैं। ये दो छोटा वाला है मुझे बहुत क्यूट सा लग रहा है, तो मैं सोच रही हूँ इसमें शाम के नट्स और स्नैक्स ये सब रखती हूँ तो अच्छा लगेगा देखने में। और इस टाइप के दो इस टाइप के सेट हैं इसमें। और उसके साथ ही इसमें एक बार ये वाला मैं एक पुराने पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में शेयर की हूँ, ये वाला मुझे बॉक्स काफ़ी अच्छा लगा और इसके लीड्स भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मजबूत हैं और इसमें काफ़ी सामान आता है ये बड़ा वाला में। तो इन सबको मैं क्लीन करूँगी, वॉश करके सूखने दूंगी, तो फिर मैं इसको ऑर्गेनाइज करूँगी जब, तो आपके साथ में शेयर करूँगी सारी कुछ। इसमें ये देखिए इसके लीड इस तरह से और काफ़ी अच्छे हैं, और इसमें चार तरह के साइज है, ये दोनों हो गया इस तरह का और दो हो गया इस टाइप का। इस वाले में 16 है और इस वाले में आई थिंक 7 पीस है। तो इन सबको वॉश करते हैं, क्लीन करते हैं, फिर जाके पेंट्री ऑर्गेनाइज करेंगे। और आपको मैं अपनी पेंट्री पे लेके चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कितना अनऑर्गेनाइज है, और इसको मैं अच्छे से मेकओवर करके पेंट्री को एक अच्छा लुक दूंगी। तो चलिए दिखाते हैं। तो अभी आप देख सकते हैं मेरे पेंट्री में कितने सारे बॉक्स होने के बाद भी ये बिल्कुल अनऑर्गेनाइज है। और सुबह के जल्दी जल्दी मैं खाना जो बनता है, जो सामने में जो चीज़ होते हैं ना उसको ले लो वापस, फिर मैं जगह पे नहीं रखती, तो इस तरह से इतना दिखता है। और इसमें इतने सारे सॉस है, इतने सारे डब्बे हैं जो मैं यूज नहीं करती, इन सबको मैं रिसाइकल में डालूंगी क्योंकि ये सब मैं मुझे कुछ यूज नहीं करती। यहाँ पे बहुत सारे सॉस है ये सब नहीं यूज करती तो मैं इन सबको फेंकने वाली हूँ। और बाकी का ऊपर भी बहुत सारे खाली हैं, इन सबको भी मैं रिसाइकल में डालूंगी और बाकी इस पेंट्री को करूँगी मेकओवर और आपके साथ शेयर भी करूँगी। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेट्स क्लीन द ऑल द कंटेनर फर्स्ट। ये वाले मैं देख सकते हैं इसका एक चार साइज है, ए बड़ा छोटा 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 करके, और काफ़ी अच्छा है। इसमें मेरा पूरा 4 LB का दाल आ जाएगा। और ये वाला कुछ इस तरह से है, तो सबको क्लीन करते हैं, देखते हैं कैसे किसको अरेंज करना है। तो यहाँ पे मैंने सारे बॉक्स को ना क्लीन कर ली हूँ और ये अच्छी तरह से ड्राई हो गया है, बस इसका बॉटम में थोड़ा सा मैं देख रही हूँ वेपर लगा हुआ है, तो ये थोड़ा इसको मैं एक बार और फ्लिप कर दूँगी और थोड़ी देर छोड़ दूँगी तो ये अच्छे से ड्राई हो जाएगा। फ्रेंड्स फिर चलते हैं, आज मैं पेंट्री को थोड़ा ऑर्गेनाइज करती हूँ क्योंकि मैं कर नहीं पाई उस दिन कंप्लीट, क्योंकि डब्बों को वॉश करने रखने के बाद फिर मुझे बहुत सारा काम आ गया था, मैं नहीं कर पाई। तो आज मैं फिर से स्टार्ट कर रही हूँ और आज मेरा सारा काम हो गया है, कुछ भी नहीं बचा है। सुबह से जो भी खाना, ब्रेकफास्ट, लंच ये सब था, सारा कुछ हो गया है और किचन ऑलमोस्ट पूरा क्लीन है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ किचन।
बिल्कुल क्लीन है। जैसे मुझे पेंट्री का ऑर्गेनाइजेशन करना है तो उसके लिए मुझे मेरे पास अभी बहुत टाइम है, और अभी 1 बज रहा है और अम्बी को लाने के लिए 3:30 बजे जाना है, तो तब तक मैं आई होपफुली मैं कर लूँ कंप्लीट। तो स्टार्ट करते हैं पेंट्री को। पहले मैं इसको खाली करती हूँ क्योंकि बहुत सारे जो सामान है मुझे नहीं चाहिए उन सबको मैं पहले निकालती हूँ, और जो चीज़ जैसे ये इसमें से बहुत सारी ये सब सॉस ये सब मुझे फेंकना है, तो इन सबको मैं फेंक के पहले मैं इसको खाली कर देती हूँ पेंट्री को। फिर मेरे साथ इजी होगा कि कैसे मुझे सारा सामान कैसे अरेंज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पूरा पेंट्री मैं क्लीन कर दी हूँ, पूरा मतलब सारा बॉक्सेस निकाल दी हूँ, जस्ट इनको क्लीन करना है। बहुत सारे इस पे सामान गिरे हुए हैं खाना के, तो ये सब को मैं क्लीन करूँगी। क्लीन करने के बाद इसमें सारा बॉक्सेस को ऑर्गेनाइज करूँगी। पर अभी आप देख सकते हैं सभी जगह डब्बे 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 डब्बे, तो बहुत सारे डब्बे हैं इन सबको, और इन यहाँ भी ही रखा हुआ है और उधर भी रखा हुआ है। मैं इन सब बॉक्स को सोच रही हूँ नहीं फेंकने का और नहीं रिसाइकल करने का, मैं रखती हूँ क्योंकि हमारे किचन में हमेशा कुछ ना कुछ ज़्यादा चीज़ें रहती ही हैं, तो इनको स्टोर करने के लिए काफ़ी अच्छे डब्बे हैं। जब मैं नहीं खरीदी थी तो मैं इसी में सारे सामान रखती थी इसी बॉक्स में, बट ये इसकी ग्रिप्स बहुत अच्छी है पकड़ने में सारा सामान रखने में, तो यहाँ भी बहुत सारा सामान रखा हुआ है। और इस तरह से ये पूरा अब इसको ऑर्गेनाइज करना इज अ रियली बिग टास्क। तरह से मैं यहाँ लाइनर लगा रही हूँ क्योंकि मैं अपना जितना भी कुकिंग का अप्लायंस सब है ये छोटा मोटा ये सब वहाँ पे रखूँगी, तो ये मैं लगा देती हूँ जिसे सेफ रहेगा रखने में, तो इन सबको इस तरह से लगा देती हूँ पहले।
टॉप में जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस था मैं उनको हटा के वो सब रख दी हूँ, और ये मिडिल वाले में मैं यहाँ पे ये सब रख दी हूँ जिसमें जो जो चीज़ पहले से था वो सबको रहने दी हूँ, और जो रिफ़िल करना था मैंने रिफ़िल कर दी हूँ। तो अब पहले और अभी देखिए किस तरह से दिख रहा है। तो ये वाला में मैंने मुझे राजमा छोले चावल दाल ये सब रखने थे तो ये सब मैं इसमें रख दी हूँ। तो अभी इस तरह से ये हो गया है, तो अब देख सकते हैं। और मैं यहाँ नीचे मैं यहाँ पे आटा रख दी हूँ, और यहाँ पे मेरे सारा तेल और घी ये सब है। उसके साथ ही स्नैक्स वाला एक छोटा सा बैग है जिसमें जो अम्बी के स्नैक्स है वो यहाँ से इजीली पिक कर सकती है। और यहाँ पे मुड़ी हो गया और शुगर हो गया ये सब है, ये रागी का फ्लावर है, और यहाँ पे मैंने सीरियल रखी हूँ, और ये राइस है। और एक तो ख़त्म हो गया है, जब राइस फिर से आएगा तो मैं रिफ़िल करूँगी। तो और नीचे में मैंने सारा जितने भी मेरे सामान है इलेक्ट्रिक वाले वो सब मैं नीचे रख दी हूँ। चॉपर हो गया, टोस्टर हो गया, ग्रिल हो गया, फिर ये मेरा ब्रेड मेकर हो गया, और इधर मेरा मिक्सी है, इंस्टेंट पॉट है, एयर फ्रायर है, और फिर राइस कुकर है। तो ये सब हो गया यहाँ पे, ये हो गया नीचे, मैंने पूरा खाली कर दी हूँ। और अभी कैसा लग रहा है आप कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो ये रहा पैंट्री का फुल लुक, कैसा लगा आपको बताइएगा ज़रूर कमेंट में फ्रेंड। तो मैंने इसका पूरी अच्छी तरह से मैं कवर कर दी हूँ, जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे मैंने सबको निकाल दी हूँ, और इतना ही बॉक्स रखूँगी, बाकी के जो बॉक्स की ज़रूरत नहीं है मैं वो सब निकाल दी हूँ। और यहाँ पे ये सब है, ये सबको भी मुझे रिसाइकल कर दूँगी, और जो सब मसाले छोटे मोटे जिसकी ज़रूरत है मैं उसको फिर से ऑर्गेनाइज करूँगी, मसाला वाला मुझे दूसरी तरफ रखना है। तो पेंट्री में मुझे इतना ही सामान रखना था, बाकी सारा कुछ मैंने क्लीन कर दी हूँ। और यहाँ पे बस पटेटो और अनियन का जगह मैं दूसरे जगह बनाऊँगी। और ये रहा यहाँ पे इतने सारे बॉक्सेस, इन सबको रिसाइकल करना है। करते करते मुझे काफ़ी टाइम लग गया, आप मुझे बताइएगा कमेंट में कैसा लग रहा है मेरा पेंट्री अब पहले से। और क्योंकि जो एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे जो खाली थे जिसकी ज़रूरत नहीं थी मैंने सब निकाल दी हूँ, और जिसकी ज़रूरत है वो सब मैं रखी हूँ। तो आप मुझे बताइएगा कमेंट में आपको कैसा लगा मेरा पेंट्री का मेकओवर। और मुझे लेबल लगाना था इन सब में, बट मैं नहीं लगा रही हूँ लेबल, ऐसे ही मुझे सारा कुछ दिख ही रहा था, मुझे सच है आज कुछ नहीं लग रहा है कि इसमें लेबल लगाना बहुत ज़रूरी ही है, क्योंकि अगर लगा दूँ तो अच्छा लगेगा, बट मैं नहीं लगाई हूँ, देखती हूँ अगर होगा तो लगा दूँगी, नहीं तो ऐसे ही रहेगा। तो मुझे ऐसे ही ठीक लग रहा है। तो यही था ये वाला ब्लॉग पेंट्री ऑर्गेनाइजेशन का, और आप बताइएगा कैसा लगा फ्रेंड, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।